हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये हैदराबाद एयरपोर्ट का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हम लोग फिर एंट्री करेंगे और वहाँ से बेंगलोर के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। ये पार्किंग है और ये बिल्डिंग जो है आप देख रहे हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। आप जो देख रहे हैं यही एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों, ये हैदराबाद से बेंगलोर ट्रैवल करने वाले हैं, आपको पूरे बीच की जो है जानकारी दिखाएंगे। आप लोग बने रहेंगे, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जो है हैदराबाद एयरपोर्ट पे। ये देख रहे हैं कि ये सेल्फी पॉइंट जो है, जब आप इंट्री करेंगे तो ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये हमारा देश के जो है CSF जवान लोग जो है एयरपोर्ट को सुरक्षा देते हैं, देख सकते हैं सभी लोग बैठे हुए हैं। आपको इस एयरपोर्ट हाईटेक एयरपोर्ट पर जो है हर एक सुविधा आपको मिलेगा। ATM वगैरह, ATM है, देख सकते हैं पहले वाला जो 1 रुपीज डाल के जो है बूथ पे आप बात करते होंगे वो है। आप सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है और इतना डेवलप किया हुआ है, देख सकते हैं कि ये पूरा चकाचक जो है पूरा एयरपोर्ट आपको मिलेगा। इस पे जो है मॉल की तरह जो है आपको दुकान में मिलेंगे। और ये आप जो देखेंगे कि आपको पैर से नहीं चलना है, तो आपने देखा होगा कि नीचे से लिफ्ट से आते हुए लिफ्ट लगा होगा। आप ये देख सकते हैं फर्श पे चलने के लिए भी लिफ्ट लगा हुआ है। आपको फर्श पे नहीं चलने का मन है तो देख सकते हैं इस पे आप खड़े हो जाइए। आपको 1 to 20 या किसी भी एयरपोर्ट के जो स्टेशन पे जाना होगा आप जा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि IPL जब चल रहा था उस टाइम जो है सभी राज का जो है बैठ का जो है शो लगाया गया है, आप लोग सेल्फी ले सकते हैं। तो आप और आगे हम लोग चलते हैं, आप चलते भी रहिए, जल्दी पहुँच जाएंगे। जाओ जाओ पता नहीं हो कहाँ जाते जाए छी। नहीं नहीं, मेरा दूसरा फ्लाइट है। हाँ ठीक है, चलिए घूमते, अभी बहुत टाइम होगा ना फ्लाइट में। तो फ्लाइट नंबर 505। हाँ वही है, हाँ 22:05 में 10 बजे छोड़े 11 बजे। देख सकते हैं ये कि कितना लंबा एयरपोर्ट है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हालांकि ये बहुत डेवलप एयरपोर्ट है। और देख सकते हैं कि ये हो सकता है कि 14 से 15 मिनट का ये वीडियो लंबा जा सकता है कि इतना देर हम कंटिन्यू एयरपोर्ट पे अपना जो है स्टेशन जो है बेंगलोर के लिए जो एयरपोर्ट का स्टेशन होता है वहाँ पर जाने के लिए। देख सकते हैं कि 14 से 15 मिनट का कौन जी सब कितना कितना का है, टी कितना का है, ब्लैक कॉफी 65 रुपये, ब्लैक टी 65। इटली के चक्कर छोड़ो, सन भी ले लो, 99 रुपया खाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर का ये पूरा है। आपको आप देख सकते हैं कि जब आप उतरेंगे हैदराबाद एयरपोर्ट पे तो हैदराबाद में जो भी घूमने वाला जगह है आप देखिए, यहाँ पे बुकिंग होता है, कैब बुकिंग करके आप जा सकते हैं, इसीलिए छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है।
दोस्तों इस फोन का यूज तो आप लोग बहुत पहले करते होंगे, देख सकते हैं इसमें जो है आप पैसा पेड करके बात कर सकते हैं। हम लोग चेक करा के जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किधर बुलाए जाने के लिए? 18 नंबर किधर है? 18 पे बोला है, बेंगलोर का फ्लाइट है। यहाँ से आगे जाके ठीक है। हाँ ओके ओके। देख सकते हैं ये चेकिंग पॉइंट है। देख सकते हैं ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है आप कपड़ा शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये ब्रांडिंग ब्रांड कपड़ा लगा रहता है, शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये आप चारों साइड देख सकते हैं, ये ब्रांड है, ये भी ब्रांड है। ये इधर जो है कॉस्मेटिक आइटम है, लेडीज लोग के लिए ये कॉस्मेटिक आइटम है। इधर आप देख सकते हैं वॉच है। मतलब डेवलप एयरपोर्ट पे आएंगे तो ये सभी सारा दिखाई देगा, क्योंकि यार एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने में जो है बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड को यहाँ पे ऑफर किया जाता है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, जो पैसा अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग ब्रांड खरीदते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो मीडियम क्लास का भी लोग आते हैं, जो घर से लेके आते हैं या यहाँ पे खरीदना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे वीआईपी आदमी सब रहते हैं जो है चलते चलते इनको दिख जाता है कुछ, वो खरीद भी लेते हैं। ये जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो भी तो इंटरनेशनल है ना, लेकिन ये हाईटेक सिटी है, ठीक है, और दिल्ली के पास उतना स्पेस नहीं है, इस सब के पास स्पेस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट है, सभी लोग खाना खा रहे हैं। अरे सीपे आप देख सकते हैं एक मार्केट के ही तरह जो है आपको अंदर में मिलेगा सभी। यहाँ पे बार भी है, आप बियर का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर के दुनिया से जो है यहाँ का बियर जो है आपको 80% महंगा मिलेगा, मतलब बाहर में आपको 100 में मिल रहा है तो इधर जो है 800-700 के आसपास जो है आपको मिलेगा एक्चुअल रेट, वही इसी के बीच में एक्सेप्ट होगा। आप ये मत समझिए किसी आप मार्केट में आए, ये एयरपोर्ट का मार्केट है। आपको आप तो पीछे देखिए कि सभी ब्रांड भी
एक लाइन में जो है सभी ब्रांड का जो है सभी सामान का जो है दुकान है। और फाइनली हम लोग जो है प्लेन के जो है सीढ़ी में घुस चुके हैं, और ये सीढ़ी जो है डायरेक्ट प्लेन के अंदर जाएगा। ये इस तरह का सीढ़ी जो है डायरेक्टे आपको स्टेशन से डायरेक्टे प्लेन के अंदर जो है डाल देता है, ब्रिज के तरह रहता है, और आप डायरेक्ट जो है अपने फ्लाइट के अंदर। आप देख सकते हैं उधर भी बगल में भी सेम दूसरा फ्लाइट लगा हुआ है, उस फ्लाइट के नियर भी इसी तरह का जो है ब्रिज का प्रयोग किया गया है। एक घंटा का फ्लाइट हैदराबाद टू बेंगलोर। अब फाइनली देख सकते हैं हम लोग जो है पहुंच गए हैं, फ्लाइट जो है लैंडिंग कर रहा है, और रात्रि का समय है। और आप देख सकते हैं कि आसमान से नीचे सिटी का नज़ारा आपको दिख रहा है, ये पूरा लाइट लाइट। देख सकते हैं कि चारों तरफ फ्लाइट ही फ्लाइट लगा हुआ है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंडिया के हर एक राज्य में तो यहाँ से फ्लाइट जाता ही है, पर ये विदेश भी यहाँ से जो है मैक्सिमम देश भी यहाँ से जो है फ्लाइट उड़ता है। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ है।